एक तो आपको इस फिल्म में पहचानना मुश्किल हो रहा है और ये बहुत अलग तरह का किरदार है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है, क्या इस दौरान शूटिंग के दौरान किसी की कहानी या फिल्म में जब आपको नरेशन मिली तो कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस गई जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक ये बात सबके दिल में होपफुली बसेगी जब लोग ये पिक्चर देखेंगे. जो न्यूएंसेस है इस फिल्म के अंदर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. ये फिल्म इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं, वो भी है, बट जो सटल लेयर्स हैं पिक्चर में, जो राइटिंग में है, जो डायरेक्शन में है, जो कैरेक्टराइजेशन में डाली गई है, वो चीज़ें इतनी स्पेशल हैं कि आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइट मिलेगा इनटू मेरी आदत है ना बहुत भयंकर भूख लग रही. सो बहुत ही डीप इंसाइट मिलेगा इनटू दीज कैरेक्टर्स, इनटू देयर स्ट्रगल, यू नो, इनटू देयर फेथ डिस्पाइट दैट स्ट्रगल, देयर रिलायंस ऑन वन अनदर, यू नो, relying on one another to get self-reliant, the respect that this couple has for each other, the love that they have for, the love they discover in each other through this process of struggle. And abhi bhi main jab bol rahi hu mereko goosebumps aa rahe hain ye, you know, ye bol ke, but it's really like that's something that really stuck with me in the film. And I would be very honest, padhte hue bhi wo tha, but jab wo ho raha tha, jab hum us location mein the, jab hum usko enact kar rahe the, jab हम उस सिचुएशन को समझ रहे थे, उसमें जो फीलिंग आती है, जो दर्द आता है, बट एट द सेम टाइम यू नो इट्स नॉट दैट दुखी वाला दर्द, इट्स दैट अपलिफ्टिंग फीलिंग ऑफ कि यू नो कि मतलब इट्स गेटिंग बेटर, बट दैट एक वो फीलिंग होती है ना जब आपको पता है कि ये स्ट्रगल है, बट साथ में ये भी पता है कि यार ये इंसान ऊपर जा रहा है, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत बहुत स्पेशल फीलिंग है इस पिक्चर में. जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा आप वरुण धवन की काफ़ी भयंकर हेल्प करती हैं, लाइक वो सिलाई मशीन में हमने देखा, एंड जब भी वो प्रॉब्लम में आते हैं काफ़ी आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो हम ऐसा माने कि हाउस वाइफ की क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है रियल लाइफ में? बहुत ही भयंकर सवाल है आपका. अब आपका जवाब. आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी इस फिल्म के दौरान, जो मैंने शरद को बोला भी था कि जितना मैं लाइफ में आज तक डोमेस्टिकेट नहीं हुई हूँ, बिकॉज मैं 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही थी, एंड आई एम वर्किंग नाउ, आई हैव गॉटन मैरिड, आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क, बट जो डोमेस्टिक नेचर मुझे शरद ने दिया, जो फीलिंग मुझे शरद ने दी, जो एक शादी करके घर में होने की फीलिंग विद आफ्टर गेटिंग मैरिड, इट्स लाइक वी like I don't even get to spend that much time with, you know, with my husband, but the fact that is film mein to stay in that world, to stay in that domestic setup, to be in the kitchen, mujhe bahut hi acha ek gharelu atmosphere jeene ko mila. So thanks Sharad. In fact shuru hone ke pehle maine yahi kaha tha ki yaar I don't know how to play married, to meri shaadi hui aur ye log mujhe leke aaye, literally it was like that. It was actually very soon after Anushka got married. तो इनफैक्ट मैंने इनसे भी कहा था कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव लाइक अ मैरिड मैन, मतलब जो भी करना है, तो इन्होंने मतलब क्या बोला था.